अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद फराज और आप आज देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिसेंट कोसिप। आज हम यहां मौजूद हैं दुबई में 19th EG हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच के लिए। जैसे कि आप पहले वाले मैच सब देख चुके हैं कितना टफ कंपटीशन रहता है। पाकिस्तान के मोस्टली इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं, आगे दुबई में अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दुबई के काफ़ी डिपार्टमेंट्स को टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आज के मैच में क्या होता है अभी तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी प्रैक्टिस जारी है, मैच शुरू होने में काफ़ी टाइम है, तो हम चलते हैं कुछ प्लेयर से बात करते हैं, कैप्टन से बात करते हैं, उनके क्या व्यूज़ अपनी टीम के बारे में और कैसी उनकी तैयारी है फाइनल मैच के लिए। तो चलते हैं, कुछ कैप्टन से बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, काफ़ी तमाशाई मौजूद हैं, उनके व्यू लेंगे किस टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं, तो क्या अभी हम मौजूद हैं नुमान साहब के साथ, इनका तल्लुक चकवाल से है, हम इनसे आज के व्यूज़ लेंगे कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज के मैच के बारे में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या हम तो देखें जी पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, तो हम हॉकी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों टीमें माशाल्लाह पाकिस्तान की और बहुत अच्छा खेल खेलती हैं, तो आज देखते हैं इंशाल्लाह। हार जीत तो लगी रहती है, क्योंकि जब खेल का मैदान हो उसमें एक हारता है और एक जीतता है, तो हम पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की नुमान भाई ने, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के कौमी खेल को सपोर्ट करने आए हैं, हमारा ताल्लुक किसी खास इलाके से नहीं है, हम यहाँ दुबई में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का शुक्रिया। हमारे ख्याल ये हैं कि हमारे दान जो है वो बाजी में सही वो लंगड़ा जाते हैं। और फाउल है और फेस पे भी आदमी आपके ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर बाहर है या जी में आदमी से कोई आदमी इंजरी नहीं होती है, आपके लिए बेस्ट है आराम से कूल माइंड ऑफ करो। ठीक है, तो कह रहा है उसी पर फाइनल वही और कुछ बात कुछ डी के अंदर का आपको ठीक हो गया कैरेट, ठीक है, डी से बाहर आपको बेस्ट ऑफ अभी हम मौजूद हैं टीम ए के कैप्टन अली इमाम के साथ। सर कैसे हैं आप? आज हमारे ओपोनेंट खेल रहे हैं, कैसी तैयारी आज के फाइनल मैच की? तो क्या जीतने का इरादा है? आए हैं खेलने जीतने के लिए। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आज, अटैकिंग में जाएंगे या पहले अटैकिंग? अभी गाइस हम मौजूद हैं टीम बी के कैप्टन के साथ, आज हमारे कैप्टन हैं मिस्टर खुर्रम, तो उनकी व्यूज देते हैं। सर आप कैसे हैं, तैयारी कैसी है मैच की? अच्छी तैयारी। तो कैसी गेम करनी है, कुछ हमें गाइड कर रहे हैं, अटैकिंग गेम करनी है, कुछ डिफेंडिंग करनी है, ट्रॉफी लेके जानी है? बेस्ट ऑफ लक। भाई तभी हम मौजूद हैं मिस्टर शहजाद के साथ, आज के हमारे 19th EGA टूर्नामेंट के फाइनल मैच चीफ गेस्ट, ये पिछले 20 साल से EGA को हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी इनका इंट्रोडक्शन होगा साथ खिलाड़ियों से। सर प्लीज मैच के आगाज से ब्लू टीम ने पर्पल टीम के गोल पे भरपूर अटैकिंग की और जो फर्स्ट हाफ का इख्तिताम था वो ब्लू टीम के 2 गोल और पर्पल टीम के 0 गोल पे हुआ। फर्स्ट हाफ के बाद 5 मिनट की ब्रेक हुई, सेकेंड हाफ के स्टार्ट से दोबारा ब्लू टीम पर्पल टीम पे काफ़ी हावी रही और भरपूर अटैक्स किए, लेकिन सेकेंड हाफ पर्पल टीम के लिए कुछ बेहतर था। पर्पल टीम ने भी काफ़ी अच्छे अटैक किए, लेकिन थोड़ी मिसमैनेजमेंट और थोड़ा जल्दी करके, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ हार चुके थे उसका प्रेशर था, उस वजह से काफ़ी चांस मिस किए और मैच का अख्ताम 3-0 पर हुआ। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
علاوہ پاک سے ہم اپنی فائنل سرمنی کا آغاز کرتے ہیں اور ٹرافی اور انعامات کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان مسٹر شہزاد صاحب کا شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور تمام پلیئروں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ابھی ہم چلتے ہیں فائنل سرمنی کی طرف. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا بیسٹ ڈیفینڈر مسٹر وکاس کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنا پرائز حاصل کریں. انوائٹ کروں گا مسٹر آصف کو بیسٹ فیلڈر کے لیے. مسٹر آصف ویری ویل ڈن, بہت اچھے. بیسٹ فارورڈ کے پرائز کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے آپ سے کہ میں ہوں بیسٹ فارورڈ. ویری ویل ڈن, بہت اچھے. گزارش کروں گا مسٹر الیاس سے کہ وہ آئیں اور میڈم میچ کو ابھی میں رنر اپ کے لیے گزارش کروں گا مسٹر خرم سے کہ وہاں اپنی ٹرافی حاصل کریں. آج کے میچ کے پہلے ریفری سے میں گزارش کروں گا کہ وہاں اپنی ٹرافی حاصل کریں مسٹر علی امام. آج کے میچ کے ٹائم کیپر مسٹر ملک وکاس سے میں گزارش کروں گا کہ وہاں اپنی ٹرافی حاصل کریں. بنر ٹرافی پریزنٹ کرنے سے پہلے میں علی امام بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ مسٹر شہزاد کو ان کی ٹرافی پیش کریں. آج کے 619 جی ہیپی ٹورنامنٹ کے فائنل ونر مسٹر علی امام سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اپنی ٹرافی پرسنل پرائز سے پہلے میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے کیپٹن مسٹر خرم سے کہ وہ کھلاڑی سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم, میری گزارش ہے کہ ہم لوگ ویکلی جو ہے نا ایک دن ہوتا ہے پریکٹس کے لیے, تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. بہت کم لڑکے ہیں جو آتے ہیں وہاں سے, 4 سے 5 لڑکے ہیں. جس آج کے میچ میں آپ سب لوگ آئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پریکٹس میں بھی اسی طرح ویکلی ایک دن ہوتا ہے, اسی کی سیکنڈ آف ہے اور شام 4:30 بجے مشکل سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پریکٹس ہوتی ہے. تو پلیز کائنڈلی اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور آپ لوگ دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ لوگ بھی ساڑھے 4 سے 5 بجے تک پریکٹس کرتے ہیں میکسیمم, پھر تھوڑی دیر ریسٹ ہوتی ہے, اس کے بعد 6:30 بجے سے آنے والے میچ میں گاڑی انتظام ہوتا ہے. ابھی میں گزارش کروں گا سب نائن بھائی آگے اپنا پرسنل گفٹ حاصل کریں. راج گتی تک آج آ جا راجا سر یار 50 روپے نہ ہو چل نہیں اتنا ہو پھر بھٹیجا ہمیں
Thank you. Yeah, well, good. Yeah.